आज ये हमारी सेकंड क्लास है, ऑप्टिक्स 1 यूनिट 3 इंटरफेरेंस। इसमें आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो यूजुअल पेपर में मोस्टली पूछा जाता है, 2 साल में एक बार तो जरूर आता है ये। फ्रेसनल्स बाई प्रिज्म क्या है और इससे हम वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। तो आगे चलते हैं हम अपनी सेकंड स्लाइड की तरफ। तो ये आप नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में भी अपने नोट कर सकते हैं। फ्रेसनल्स बाई प्रिज्म, तो वो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कोई बाई प्रिज्म है। बाई प्रिज्म मीन्स दो प्रिज्म को जोड़ करके एक कोई प्रिज्म बनाया गया है जिसका नाम दिया है बाई प्रिज्म। और एक साइंटिस्ट, फ्रेसनल नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने ये प्रिज्म को बनाया था। तो नोट करेंगे, फ्रेसनल यूज ए बाई प्रिज्म कॉल्ड फ्रेसनल्स बाई प्रिज्म टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। जिससे क्या प्रोड्यूस होती हैं? इंटरफ्रेंजेस प्रोड्यूस होती हैं। और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या हैं? ये फ्रिंजेस होती हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। ये अल्टरनेट फ्रिंजेस होती हैं, एक डार्क एक ब्राइट, फिर एक डार्क एक ब्राइट, इस तरह से। इट हैज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न एंड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। यानी इसकी एप्लीकेशन क्या है? इससे हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टू प्रिज्म ऑफ वेरी स्मॉल रिफ्रेक्टिव एंगल्स। यानी ये कैसे बना? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये बाई प्रिज्म है, दो प्रिज्म को मिला करके बना है। तो और किस तरह के वो प्रिज्म है जिनको मिला करके बना है ये? इसकी एक खासियत है और इसके कुछ खास एंगल्स होते हैं जिनसे मिला करके ये बनता है। तो इसमें है जो प्रिज्म बनता है, इसमें ऐसा होता है कि एक एक्यूट एंगल होता है जो नियर अबाउट 178 डिग्री का होता है, और बाकी दो एंगल्स हैं वो 11 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, अब ये डायग्राम है, ये डायग्राम जो दिख रहा है ये हमारा एक फ्रेसनल्स बाई प्रिज्म। यह इसमें ए बी सी, ये एक फ्रेसनल बाई प्रिज्म है। ध्यान से देखेंगे कि ए बी और ये सी, ये फ्रेसनल बाई प्रिज्म है जो दो तरह के प्रिज्म, दो डिफरेंट प्रिज्म से मिलकर के बना है। जो ऐसे समझो, एक ये ऐसे और यहाँ तक एक प्रिज्म ये है, ये अपर पार्ट, और एक ये नीचे वाला। इन दो प्रिज्म से मिलकर के ये एक प्रिज्म बना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास यहाँ पर पैटर्न हमारा बनता है। तो इन फिगर 1, एस इज द सोर्स ऑफ वर्टिकल स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। एस कोई सोर्स है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, जो प्रिज्म के ऊपर हम फॉल करते हैं। और ए बी सी, जिसमें ये ए बी सी कोई हमारा बाई प्रिज्म का सेक्शन है। ठीक है, इसकी वर्किंग किस तरह से है? व्हेन लाइट सोर्स एस फॉल्स ऑन द अपर फेस ऑफ ए बी प्रिज्म, यानी जब ये सोर्स ऑफ लाइट है ये इस प्रिज्म के अपर फेस पर पड़ती है। अपर फेस कौन सा है इसका? ए बी, अपर फेस पर पड़ती है। तो ये इसका वर्चुअल सोर्स हमें दिखाई देता है, जैसे S1 की तरह। यानी उसके अपोजिट में हमें उसका ऐसा वर्चुअल सोर्स ऐसे दिखता है, जब लाइट ऐसे जिधर जा रही है हमें दिखता है कि लाइट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। वही लाइट सोर्स एस फॉल्स ऑन द अपर फेस ए बी ऑफ बाई प्रिज्म, इट अपियर्स टू कम फ्रॉम वर्चुअल सोर्स S1 ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये हमें ऐसे दिखता है इसके रिफ्रैक्शन की वजह से, कि जो लाइट है हमारे इसके ये अपोजिट सोर्स से आ रही है। सिमिलरली व्हेन लाइट सोर्स एस फॉल्स ऑन द लोअर फेस ऑफ बाई प्रिज्म ए सी, यानी जब ए सी के लोअर फेस पर ये लाइट पड़ती है और इधर जाती है, लेकिन हमें फिर से ऐसे अपियर होती है कि जैसे ये सोर्स S2 से आ रही है हमारे पास ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हेंस इसलिए S1 एंड S2 एक्ट एज कोहरेंट सोर्सेस। तो इस बाई प्रिज्म के लिए S1 और S2 दोनों कोहरेंट सोर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। इफ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी, मान लीजिए कि कोई स्क्रीन है ये जो हमारी सोर्स से एक डी डिस्टेंस पर रखी है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विड्थ आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन ई एंड एफ। तो ई और एफ के बीच में फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे किस तरह की दिखती हैं ई और एफ के बीच में।
Beyond E and F, fringes of large width can also be seen. These fringes can be observed by low power microscope or eyepiece. और इन फ्रिंजेस को हम लो पावर माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है. तो ये तो इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, कुछ खास नहीं है. कि सोर्स ऑफ लाइट है, एक बार अपर फेस में पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी ई की तरफ जाएगी, लेकिन हम वो ऐसी अपियर होगी कि वो एस वन की तरफ से आ रही है. दूसरा वो लोअर फेस में आएगी तो हमें ऐसी अपियर होती है कि वो एस टू की सोर्स से आ रही है, लेकिन वो आ एक्चुअली एस से ही रही है. और इसमें जो डिस्टेंस है स्क्रीन से और सोर्स का, वो डी हमने कंसिडर किया है. और थोड़ी सी और नोटेशन पढ़ लेते हैं, आगे काम आएगी, कि एस वन और एस टू सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कोई स्मॉल डी है, क्योंकि ये आप जब हम वेवलेंथ निकालेंगे बाई प्रिज्म से तो उस टाइम फॉर्मूलेज में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी डी की और इस डी की. तो आगे ये हमारा बाई प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन हो गया है. तो आगे पढ़ते हैं. द पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एस वन एंड एस टू, हेंस इट हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी. एक बार जरा इसको देखें. जो पॉइंट ओ है वो एस से एक फिक्स डिस्टेंस डी पर है. ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसके आगे ये क्या कहते हैं, हेंस इट हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ ओ. यानी ओ के बोथ साइड, ऊपर भी और नीचे भी, हमें एक मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देती है. द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन इज मैक्सिमम. अब ये दो पॉइंट हमारे बना लेते हैं. एक एक पॉइंट है पी ऑन द स्क्रीन हैज मैक्सिमम पाथ डिफरेंस, यानी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है. द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन इज मैक्सिमम. इंटेंसिटी मैक्सिमम है जब हमारा पाथ डिफरेंस क्या है, एन लैम्डा है. अब जरा एक बार देखें इसको, यहां से देखो. मान लीजिए कि जो लाइट है हमारी अपर फेस से रिफ्लेक्ट होकर के ई पॉइंट पर आ रही है, क्लियर. नीचे वाले से रिफ्लेक्ट होकर के ये हमारी एफ पॉइंट पर आ रही है. अब इन दोनों के बीच में जब मैक्सिमम फेस डिफरेंस है, यानी जो दोनों का पाथ है एस वन पी का और एस टू पी का, यानी एस टू पी और एस वन पी के जो पाथ डिफरेंस है वो एन लेमडा है. ये कौन सा केस है, व्हेन स्क्रीन हैज मैक्सिमम पाथ डिफरेंस. यानी एस वन से पी का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, और यानी दोनों का हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला केस बनता है. और ये इक्वेशन बन जाएगी फिर एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल एन लेमडा, वेर एन इज 1 2 3 इस तरह से है. वेयर द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी मिनिमम. और पी पॉइंट पर मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब उन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो 2n+1λ/2 होगा. सेम इसमें भी n 0 1 2 3 है. आगे जो फ्रिंज विड्थ है, ये हमने एक्सप्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन क्या कैसे आता है, इसका अलग से डेरिवेशन है वो कराएंगे. द फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाई द एक्सप्रेशन फ्रिंज विड्थ बीटा, वो निकलती है हमारी लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी से, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन कोर एंड सोर्सेस, अभी मैंने पीछे बताया था. एंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन. और लैम्डा वेवलेंथ है और बीटा हमारी फ्रिंज विड्थ है, अगर हम फ्रिंज विड्थ से. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. ओके, ये डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ है. केस हमारा अगर केवल आता है कि भाई फ्रेशनल वाई प्रिज्म क्या है, 3 मार्क्स में, 2 में, 5, 4 में, तो आप ये लिख करके आएंगे यहाँ पर. और उसके बाद आता है एंड ऑल्सो डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाई बाई प्रिज्म, तो फिर ये पूरा कंप्लीट करके आना है. तो फिर यहाँ से भी शुरू करना है ये. तो इसमें है डिटर्मिनेशन, तो इसके लिए एक अरेंजमेंट होता है. एक अरेंजमेंट शायद नेक्स्ट स्लाइड में है. हाँ, ये अरेंजमेंट होता है इसका, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है. तो इसको जरा एक बार देखें तो फिर चोरी पढ़ने में आसानी होगी. तो ये हमारा एक कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, ठीक है. इसके बाद इसमें हमारे 4 अपराइट्स हैं. ये अपराइट्स बोलते हैं जिसके ऊपर रख करके हमारा लेंस रखते हैं, या कोई आईपीस रखते हैं, या बाई प्रिज्म हमने रखा है. तो इसमें ये 4 अपराइट्स हैं हमारा. ये सोडियम सोर्स हमारा यहाँ से आ रहा है. सेकेंड हमारा ये अपराइट है जिसमें हमारा बाई प्रिज्म है,
उसके पास बाद हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और फिर फाइनली हमारे पास आई पीस है। इस तरह से ये फोर अपराइट्स के ऊपर हमारा ये कंप्लीट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, और जिसमें हम अभी जो फॉर्मूला हमने बताया है कि बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, इससे हम इसकी वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स की इस एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। तो लेकिन आपको ये बनाना नहीं है, ये हाँ ये डायग्राम आप जरूर बना करके आएंगे, इसको एक बार ध्यान से देखें। तो सेम ये वही है कि ये हमारा सोर्स है, ये बाईप्रिज्म रखा है, और ये L1 कोई हमारा कॉन्वेक्स लेंस है जो हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं अपने डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंज को देखने के लिए। ये हमारा आई पीस है। तो अब जरा ये देखो, इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देगा, एक डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा, तो हम उसको बोलेंगे फ्रिंजेस बोलेंगे। और तो अगर डार्क हैं तो उनको डार्क फ्रिंज बोलेंगे, फ्रिंजेस बोलेंगे, और व्हाइट वालों को बोलेंगे हम ब्राइट फ्रिंजेस। तो पेपर में क्या क्या लिख करके आना है वो देखें जरा एक बार। फ्रेशनेस बाई प्रिज्म कैन बी यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ लैम्डा। ये फ्रेशनेस बाई प्रिज्म से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं सोडियम लाइट बाई यूजिंग अबव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ एज गिवन इन इक्वेशन वन। यानी जैसे अभी मैंने दिखाया आपको फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ वाला फॉर्मूला यूज करके हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज इन दिस मेथड इज एज शोन इन फिगर टू। इस तरह का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, ये आप डायग्राम बना करके आएंगे पेपर में। आगे है इसमें, इसमें होता क्या क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ ए हैवी ऑप्टिकल बेंच कैरिंग फोर अपराइट्स। ऑप्टिकल बेंच जो नहीं जानते हैं वो एक बार देख लें कि ये जो नीचे बोर्ड जैसा दिख रहा है, इसमें ये ऑप्टिकल बेंच है जिसके ऊपर हमारे सारे अपराइट्स लगे हुए हैं, और इस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर एक स्केल होता है, जैसे मीटर स्केल होता है, सेंटीमीटर्स भी उसमें लिखे होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसमें। तो वहां से हम जब फॉर्मूले में डी की जरूरत पड़ेगी सोर्स से आईपीस के बीच स्क्रीन के बीच की, तो ये डिस्टेंस हम इस जो कैपिटल डी है हमारा वो हम जो ऑप्टिकल बेंच के ऊपर नोटेशन होगा वहां से हम ये नोट कर लेंगे। आगे है ए नैरो वर्टिकल स्लिट एस ऑफ एडजस्टेबल विड्थ प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट अपराइट। पहले अपराइट पर एक एडजस्टेबल नैरो स्लिट रखी होगी, जो सोडियम सोर्स है उसको जो प्रॉपर नैरो स्लिट हमें आए जो हमारे वर्क के लिए। एंड ए बाईप्रिज्म एबीसी ऑन सेकेंड, यानी दूसरे पर हमारा इसमें हमारा क्या होगा, एबीसी बाईप्रिज्म होगा, सेम जो इस पीछे बताया था। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ इज प्लेस्ड ऑन द थर्ड अपराइट। जो थर्ड अपराइट है इसके ऊपर हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस होगा। एंड आई पीस अरेंज ऑन द फोर्थ, और चौथे पर हमारा क्या होगा, आई पीस होगा, जैसे पीछे डायग्राम में दिखाया था, या यहाँ भी आप ये देख सकते हो। ए स्लिट एस इज इल्यूमिनेटेड बाय द सोडियम लाइट। जो एस है यहाँ से सोर्स हमारा सोडियम लाइट का सोर्स है, जो हमारी सोडियम लाइट आएगी और जिसकी हमें वेवलेंथ निकालनी है। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड। तो अब हमें करने के लिए एक एडजस्टमेंट करनी है। जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है ये आपको थ्योरी थ्योरी ही सब लिख करके आना है, इसमें डेरिवेशन बहुत लंबा नहीं है। इसमें करेंगे द ऑप्टिकल बेंच इज लेवल्ड एंड हाइट ऑफ स्लिट बाई प्रिज्म एंड आई पीस आर एडजस्टेड एंड अप्रोक्सीमेटली सेम। मीन्स जब हम आप ये अरेंजमेंट करेंगे तो इनकी सबकी लेंथ है जो हमारी सोर्स से लेकर के आई पीस तक सबकी लेंथ सेम होनी चाहिए। ऊपर नीचे लेंथ होगी तो हमें वो प्रॉपर लाइट दिखेगी, सोर्स ऑफ लाइट दिखेगी नहीं और एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। सेकंड है आई पीस इज फोकस्ड ऑन द क्रॉस वायर। अभी जो क्लास में पीछे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि हम आई पीस में क्रॉस वायर देखते हैं, तो कह रहा है कि हमें क्रॉस वायर को आई पीस का जो आई पीस है उसमें बिल्कुल क्रॉस वायर पे फोकस हम करेंगे। मेक द स्लिट वर्टिकल एंड नैरो, तो उसमें हम देखेंगे कि स्लिट एकदम वर्टिकल और बिल्कुल फाइन स्लिट होनी चाहिए। ब्रिंग द बाई प्रिज्म क्लोजर टू द स्लिट सो दैट फ्रिंज आर सीन ऑन द आई पीस क्लियरली। और फिर हम बाई प्रिज्म को सोर्स के बिल्कुल पास लेके जाएंगे जिससे कि हमें क्लियरली हमें आई पीस में फ्रिंजेस दिखाई देनी शुरू हो जाएं। द ए पीस इज देन मूव्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ ऑप्टिकल बेंच। यानी जो आई पीस है हम उसको
मूव कराएंगे ऑप्टिकल बेंच के पैरेलल, इफ द शिफ्ट पैटर्न मूव टुवार्ड वन साइड, मान लीजिए हम इसको इसके पैरेलल मूव करा रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि शिफ्ट एक साइड में जो हमारा सोर्स है स्लिट है, यानी जो हमारी वो एक तरफ शिफ्ट हो रही है अपर अपवार्ड में या डाउनवार्ड में, तो हमें फिर वो एडजस्टमेंट सेट करनी पड़ेगी इसकी लेबलिंग करके। यही कहना चाह रहे हैं, द आईपीसी देन मूव पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल बेंच, इफ द शिफ्ट पैटर्न मूव टुवार्ड वन साइड द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द स्लिट एंड बाई ब्रिज में नीड इट, नहीं फर्दर इसका एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। ये सब होने के बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। आफ्टर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट ही कैन मेजर बी डी एंड डी एज डिस्कस बिलो, इसके बाद हम ये तीनों चीज मेजर करेंगे बीटा डी और कैपिटल डी, और ये तीनों जब हमारे पास हो जाएंगे तो सीधा फॉर्मूले में रखेंगे और हमें फिर वेवलेंथ निकल आएगी। आगे हमारा मेजरमेंट ऑफ फ्रिंज विड्थ, सबसे पहले हम बीटा कैसे निकालेंगे और डी और स्मॉल डी, अगर ये तीनों चीज़ हमारे पास होंगी तो हम फॉर्मूले में रख करके हम अपना वेव लेंथ निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रोसीजर है कि बी कैसे निकाल सॉरी बीटा कैसे निकालते हैं। तो बीटा क्या है, बीटा हमारी फ्रिंज विड्थ है, यानी ये इस तरह की ये फ्रिंजेस का दोबारा से डायग्राम दिखाया गया है कि ये फ्रिंजेस हैं हमारी डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। तो समझे जरा एक बार, मान लीजिए इसमें हमारी 10 फ्रिंजेस हैं, 15 है टोटल इसमें, तो ये हमने एक एग्जांपल 10 फ्रिंजेस से लेकर के लिया है। तो इसका प्रोसीजर ये है कि हम एक बार आईपीस लेके जाएंगे फर्स्ट फ्रिंज पे और उसके बाद हम आईपीस में एक स्केल होता है उसको मूव कराएंगे और उसके बाद हम इसको 10th स्लिट तक मान लीजिए हम लेकर गए हैं, तो हमें एक स्लिट के बीच का अगर वो निकालना है तो जो इस डिस्टेंस है हमारी 0 to 10 के बीच, मान लीजिए वो डिस्टेंस है एक्स, तो एक्स को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक फ्रिंज विड्थ, एक फ्रिंज के ये दूसरे फ्रिंज का बीच का डिस्टेंस है जो वन फ्रिंज विड्थ बोलेंगे इसको, तो यहाँ से हमारी फ्रिंज विड्थ निकल आएगी। तो प्रोसेस इसका ये देख लेते हैं क्या लिखा है, फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस। हाँ वही फ्रिंज विड्थ क्या है, दो डार्क फ्रिंज और या फिर दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस है। नोट द रीडिंग व्हेन आईपीस इज सेट एट एनी वन पर्टिकुलर फ्रिंजेस, मान लीजिए हम एक बार नोट कर लेंगे रीडिंग जब फर्स्ट फ्रिंज पर हमारा आईपीस है, नाउ मूव द आईपीस टू द अनदर फ्रिंजेस एंड काउंट देम, तो हम उसको मूव कर आईपीस को मूव करा करके दूसरी 8 10 जितने भी हम चाहें, कोई फिक्स नहीं है, 10 ही लें, 2 भी, 4 6 8 10 ले सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस तक लेकर के जाएंगे और उनका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द आईपीस इज एक्स, मान लीजिए कोई आईपीस हमारा एक्स गया है, द विड्थ ऑफ द ईच फ्रिंज इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस एक्स, यानी जितनी फ्रिंजेस हमने क्रॉस कर ली हैं उतनी फ्रिंजेस से हम इस डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, तो ये एक फ्रिंजेस का एक फ्रिंज विड्थ हम निकाल लेंगे जैसे इधर एग्जांपल में दिखाया गया है। तो इस तरह से हम यहाँ से बीटा कैलकुलेट कर लेंगे, इसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। इसके बाद है हम मेजरमेंट ऑफ डी, डी कैसे निकालेंगे, डी निकालना बहुत सिंपल है। डी निकालने में क्या है, द डिस्टेंस डी इज बिटवीन आई पीस एंड कोहरेंट सोर्स, यानी अगर हम एक बार इसमें जाएं यहाँ से व्यापार के लगा सकते हैं कि डी बहुत सिंपल है, सोर्स से लेकर के और आई पीस तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, तो इसमें कुछ कैलकुलेट करने जैसा नहीं है, हम सीधा डिस्टेंस नोट कर लेंगे सोर्स से और स्क्रीन तक का। और ये सिंपल मैंने भी बताया कि ऑप्टिकल बेंच है जो उसके ऊपर सारे नोटेशन है, वहां की डिस्टेंस ही हम ये डी निकाल लेंगे। आगे इसमें इम्पोर्टेंट टास्क है स्मॉल डी निकालना, यानी S1 सोर्स से S2 सोर्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप ये दो डायग्राम बना लीजिए कि सेम वही है कि कब हमारा क्या फॉर्मूला है और कैसे निकालते हैं। इसमें कंसिडरेशन है डी इज द डिस्टेंस डी इज मेजर्ड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइन सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस एट डिफरेंट पोजिशन एंड देन अप्लाइंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। देखो इसमें क्या है कि एक बार मान लीजिए लेंस इस पोजिशन पर है, कॉन्वेक्स लेंस है, यह अपराइट है, यह मूवेबल है, इसको बाद में आप दूसरे पोजिशन पर लेकर के जाएंगे
तो हमारा जो D1 D2 है ये हमारा चेंज होते रहेंगे, और इन दोनों के कंक्लूजन से हम ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से हम ये स्मॉल डी निकाल लेंगे। तो फर्स्ट केस है इसमें ये हमारा 4a फिगर है, तो इसमें हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें जो इनिशियल सोर्स से लेकर के और लेंस का डिस्टेंस है इसको हम बी कंसिडर करेंगे, और लेंस से स्क्रीन तक का डिस्टेंस है उसको हम यू कंसिडर करेंगे। और जो फिर हमारा सोर्स का इमेजनरी इमेज बनेगी हमारे, जिसको हमने S1 वाले का S1 डैश ले लिया है और S2 का ले लिया है S2 डैश, और ये हमारा आईपीस है। यहाँ से हम ये वाली डिस्टेंस है जो वो फिर वही उसकी सॉरी आईपीस की हेल्प से मूव करा करके अप डाउन में हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का D2 upon D, यानी दिस डिस्टेंस अपॉन डी, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और इसको हम वी और यू की टर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वी अपॉन यू। ये हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है इसका। ऐसे ही सेकेंड केस में हम इस जो लेंस था हमारा इसको हमने शिफ्ट कर लिया है टुवर्ड प्रिज्म, और फिर हम डिस्टेंस देखेंगे कि वो डिस्टेंस क्या आ रही है, और वहाँ से हम उसको सेम मैग्निफिकेशन फार्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्म सेम होगा लेंस का, तो D1 upon D = U upon V। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें जो ये L2 से स्क्रीन का डिस्टेंस था इसका नाम L1 लेंस है, ये इसमें उल्टा हो जाएगा कि सोर्स से लेंस तक का डिस्टेंस ये U है, और लेंस से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो V है। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा D1 upon D = U upon V। इक्वेशन 2 बन गई है। अब आगे सिंपल सा सॉल्व करना है, जस्ट मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशन, देन इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका D2 upon D into D1 upon D = V upon U into U upon V। ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, तो U से U कट जाएगा, V से V कट जाएगा। तो इधर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, D1 D2 upon D² = 1। ये D इधर जाएगा तो D² क्या हो जाएगा, D1 D2, और D निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा D1 D2। अब हम आगे फर्दर चलते हैं। हेंस लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड बाय ऑल दीज मेजरमेंट्स, यानी हमारे पास क्या क्या मेजरमेंट्स आ गई हैं हमारे, क्योंकि लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ देखा था, Beta = λ D/D। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, Beta (d) / D। बीटा हमारे पास फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, सपोज 10 फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस लेकर के उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, एक फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। स्मॉल डी हमारा भी फॉर्मूला हो गया है, स्क्वायर रूट में D1 into D2, और कैपिटल डी हमारा ऑप्टिकल बेंच से हम मेजर कर लेंगे कि उसकी लेंथ क्या है, और इस फॉर्मूले में रख करके हम यहाँ से अपना लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक ऑन करके बेटा पूछ सकते हैं।